सो हे गाइस, वेल तो मेरे को एक वीडियो बना के अपडेट देना था, तो जस्ट बता देता हूँ। तो मैं बता रहा था कि जैसा आपको पता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट में, वॉइस प्रोसेस में, टेक महिंद्रा में। तो कहना चाहूंगा कि यार कभी कभी ऐसा लगता है कि यार भाई क्या जिंदगी है। हालांकि ज्यादा समय हुआ नहीं मेरे को, 3 महीने भी ठीक से हुए नहीं है इसको। अभी अगस्त में लगा हूँ ठीक से, तो अगस्त और सितंबर पूरा महीना हुआ है। वेल जुलाई में 19 जुलाई 19 20 से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो वेल ज्यादा समय हुआ नहीं मेरे को, 2 2.5 महीने हुए, लेकिन फिर भी काफी कुछ सीख गया हूँ मैं इससे। और पहले भी मेरे को पता था, हालांकि करने का कोई ऐसा इरादा था नहीं मेरा, जस्ट कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण करना पड़ रहा है। करना चाहता हूँ और करना पड़ रहा है, उसमें बहुत फर्क होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो करना पड़ रहा है, और बात यह है कि आपको पता है कि इसमें 8 घंटे मिनिमम देने होते हैं आपको, लॉग इन आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद में आप चाहे जो करो, लेकिन उस 8 घंटों में आप क्या करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। आप कैसे कॉल ले रहे हो, कैसा परफॉर्मेंस है आपका, परफॉर्मेंस मीट हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो आपका टीएल आपकी जान खा जाएगा, एंड कभी भी कंपनी आपको बाहर निकाल सकती है। यदि उनको लग रहा है कि एजेंट परफॉर्मेंस मीट नहीं कर पा रहा है, एजेंट ठीक से दबाव, एजेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो वो कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें कुछ गारंटी नहीं है। वेल और ये जो हमारी जॉब है, जो मेरी जॉब है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, इट मीन्स 31 दिसंबर तक ही है जॉब, 31 दिसंबर तक की है। हाँ, उसके बाद में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा सकते हैं आगे, टोटल इनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि उनको मेरा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा लगा, मेरा वर्क अच्छा लगा कि हाँ भाई ये एजेंट अच्छा काम कर रहा है, तो वो बढ़ा भी सकते हैं। और जस्ट मैं फ्री हुआ, मेरे 8 घंटे कर लिए लॉगिन। वैसे तो शिफ्ट अभी चल रही है, 10 बजे तक चलती है, लेकिन मैंने 8:40 के आसपास, 8:45, 9:15 बजे ही लॉग आउट कर दिया, क्योंकि मेरे 8 घंटे हो गए थे, मैंने कर दिया लॉग आउट। ठीक है, अब आगे से इसकी लेसन आती है कि अर्ली लॉग आउट क्यों कर दिया, जल्दी लॉग आउट क्यों कर दिया, क्योंकि आप में से कोई भी काम करता होगा और किया होगा कभी बीपीओ सेक्टर में, तो आपको पता होगा इनका मैटर क्या होता है कि जल्दी लॉग इन करो तो दिक्कत, बाद में लॉग आउट करो तो दिक्कत, मतलब भाई दिक्कत है, दिक्कत है, इनके हिसाब से पूरा चलना पड़ता है यार। वैसे आपने वर्क किया है क्या इसमें, और वर्क फ्रॉम ऑफिस किया है, वर्क फ्रॉम होम किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपको तो पता है मैं गाँव पे हूँ, और मेरे को घूमने फिरने का काफी शौक है। मैं ज्यादा ब्लॉगर को फॉलो नहीं करता, जैसे एक अविन यदुवंशी नाम से है चैनल, उनको फॉलो करता हूँ, वो काफी अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, ट्रेवल ब्लॉग बनाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो उनके वीडियो देखता रहता हूँ। मेरे को भी घूमने फिरने का काफी शौक है, देखते हैं यार चैनल ग्रो हो जाए, आपका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल घूमेंगे फिरेंगे, ब्लॉग बनाएंगे अपनी देसी स्टाइल में। अभी तो मैं गांव पे ही हूँ, जो कि पैसों की कमी चल रही है यार, पैसों के लिए सारा क्या क्या करना पड़ता है, तो बस पैसों की प्रॉब्लम के कारण अभी यहीं पे हूँ। जब पैसों की प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो बाहर निकलेंगे, थोड़े आसपास घूमेंगे, चैनल भी ग्रो हो जाए तो अच्छी बात है। आपका सपोर्ट रहा, चैनल अच्छा परफॉर्मेंस किया तो वेल जॉब को भी छोड़ दूंगा मैं कौन करना चाहता है। यदि यूट्यूब ने हाथ दे दिया, आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया, वीडियो को अच्छे व्यूज लाए, तो बिल्कुल करेंगे यार, फिर इस पे जो फोकस है वो ज्यादा बढ़ा देंगे, यूट्यूब पर अपन फोकस को ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन अभी मेरे को यूट्यूब से वो रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टाइम देते हैं, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम दे चुका हूँ, लेकिन कोशिश तो हारने वाला नहीं हूँ भाई। क्या है बे, कोशिश कोशिश हारने वाला नहीं हूं मैं। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम लगता है, कब जाके कुछ होगा या नहीं होगा पता नहीं, वो तो फ्यूचर में देखा जाएगा, लेकिन कोशिश ना करें ये तो अपने ऊपर यार, तो कोशिश तो करेंगे यार। चलो ठीक है, बाकी वीडियो 4 मिनट का हो गया है, यहीं पर खत्म करता हूँ वीडियो को। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना।